शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ, ब्रेकिंग न्यूज पहुंचा रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। देखिए, अब तक के रुझानों में बीजेपी को 270 सीट, अब तक के रुझानों में बीजेपी 270 सीट पर आगे चल रही है इस वक्त की बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं। भाजपा ने कहा था कमल खिलाएंगे, पंजाब को लेकर थोड़ी संशय में थी, कहा परफॉर्मेंस बेहतर किया है लेकिन वो सीट वो हमें मिलने वाला है नहीं, हम समझ रहे हैं। चार जगहों पर कमल खिलाने की बात कही थी। यूपी के रुझानों में बीजेपी की बड़ी जीत दिख रही है। कल ही लड्डुओं के ऑर्डर दे दिए गए थे भारतीय जनता पार्टी की ओर से, अब वो लड्डू और ज्यादा मिठास से भर गए हैं इन रुझानों को देखने के बाद। यूपी के रुझानों में बीजेपी को बड़ी जीत, 270 सीटों पर आगे चल रही है भारतीय जनता पार्टी। आइए पांचों राज्यों के इस काउंटिंग पर एक बार फिर पैनल के पास वापस लौट चलते हैं और बताते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि किसके लिए कहां पर बहुत ज्यादा बेहतर समय दिख रहा है और काउंटिंग किसके फेवर में जाते हुए दिख रही है। रमाकांत उपाध्याय है हमारे साथ यहाँ पर, बहुत स्वागत है सर, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। अनिल राव है, पॉलिटिकल एक्सपर्ट है। अजीत यादव है, विश्व हिंदू परिषद से हमारे साथ। विनोद कपूर है, पॉलिटिकल एक्सपर्ट है। अमित नेहरा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। एक एक करके आएंगे। अमित जी, शुरुआत आपसे कर ले रहे हैं, उत्तर प्रदेश में बीजेपी देखिए अभी पलटा तो भारी दिखाई दे रहा है, लेकिन अंतिम परिणाम क्या होगा उसका, उसके लिए हमें थोड़ा सा वेट करनी चाहिए। अभी सभी 403 सीटों के रुझान भी नहीं है, थोड़े से कम है, और मुझे लगता है कि ये दूसरे तीसरे चरण के अभी रुझान हैं। वहाँ पे अमूमन ये मान के चलिए कि 28 से 30 राउंड में गिनती होनी है। तो देखिए अभी पहले जो रुझान है उसमें तो निश्चित तौर पे बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। अब आगे क्या होगा तो उसका थोड़ा सा हमें इंतजार और करना पड़ेगा। अभी एक डेढ़ घंटे में काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि हमने शुरू में देखा था 8:30, 9 बजे तो नेक टू नेक चल रहे थे। उस टाइम बैलेट पेपर की जो काउंटिंग थी वो थी, उसके बाद जैसे ये खुलने शुरू हुए थे तुम तो बहुत आगे चले गए थे। अब रियल टाइम भी नहीं कह सकते, कुछ चीजें प्रोसेस में टाइम लगता है। मेरी शायद आप ही से बात हुई थी कल जब आप ये कह रहे थे कि आप साइकिल को एज देना चाह रहे हैं यहाँ पर। अभी हाँ कुछ ना कुछ ऐसा, देखो अभी गिनती, क्योंकि पीछे एक रुझान में देख रहा था जैसे देवबंद, तो देवबंद का जो पहले शुरुआत में रुझान आया था उसमें बीजेपी आगे दिखाई दी थी, तो ये चीजें अभी चेंज होंगी। देखो नेक टू नेक फाइट, मैं अभी कह रहा हूँ कि फाइट काफी नजदीकी रहने की उम्मीद है। बाकी जनता जनार्दन है, साइलेंट वोटर कितना अपना कमाल दिखा पाता है ये भी देखने का विषय है। ठीक है, हमारे साथ सपा प्रवक्ता भी है, नागेंद्र जी है। नागेंद्र जी बहुत स्वागत है आपका रेडा न्यूज पर। अभी बीजेपी 270 सीटों पर आगे चल रही है, इन रुझानों को कैसे देख रही है समाजवादी पार्टी? जी अभी पूरी तरह से आशावान है, जो अभी बंधुवर कह रहे थे ठीक उसी प्रकार से हमारा मानना है कि जो आगे पीछे डाटा हो रहा है, लगभग लगभग सभी जगह जो निजी सूचना भी प्राप्त हो रही है कि नजदीक के मुकाबले है, और स्थिति तकरीबन दोपहर बाद जाके साफ हो पाएगी। लेकिन हम पूरी तरह से उम्मीद लगाए हैं कि हम अब बढ़त की ओर जरूर पहुंचेंगे, और फिलहाल के रुझानों पर जो बात हम कर रहे हैं वहां हल्का सा हमें वे रुझान निराश जरूर कर रहे हैं, लेकिन हम हताश नहीं हैं, और जनता का जो भी फैसला होगा वो सिरोधार्य होगा और स्वीकार करना चाहिए। जो भी हमें जिम्मेदारी मिलेगी उसको पूरी शिद्दत से, ईमानदारी से और पूरे जोश के साथ समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता और समाजवादी पार्टी के नेता उत्तर प्रदेश में निभाएंगे। ठीक है, आप हताश नहीं है लेकिन थोड़े निराश है, फिर भी आशावान है नतीजों को लेकर, रुझानों को देखकर। फिर ऐसा क्या हुआ कि ईवीएम को लेकर समाजवादी पार्टी ने पहले ही सपा मुखिया ने सवाल खड़े कर दिए? वो ईवीएम को लेकर जिस परिपेक्ष में सवाल खड़े किए हैं वो जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बात कही है वो तथ्यात्मक बात कही है, उसकी पुष्टि हुई है और संबंधित अधिकारियों पर निर्वाचन आयोग ने कार्रवाई की है, तो एक संशय बनता है।
जो हम चर्चा कर रहे हैं और खासतौर से अगर पहले चरण से लेकर अंतिम चरण तक की बात करें या काउंटिंग तक की बात करें, कल शाम तक की बात करें, तो जो राजनीतिक दल है चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो चाहे दूसरे देश में हो, ये मूल रूप से एक संशय आम जन भी देखता है, विशेष रूप से बिहार चुनाव के बाद, कि भारतीय जनता पार्टी सरकारी मशीनरी का प्रयोग परिणाम बदलवाने में जहां क्लोज कंटेस्ट है वहां कर लेती है, 19 में भी शंका जाहिर की है, और वे प्रमाणिक रूप से इसीलिए है कि जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसकी तटस्थता को लेकर आम जनमानस में या विपक्षी दलों में एक संशय बन गया है। इसीलिए लोग मतगणना स्थलों पर स्ट्रांग रूम के आसपास पहरेदारी कर रहे हैं। ठीक है, ये एक अच्छा द्योतक नहीं है, ये एक अच्छी परंपरा नहीं है, हार जीत होती रहेंगी, तो ये भी एक प्रश्नवाचक चिन्ह इनकी शासन व्यवस्था की निष्पक्षता को लेकर खड़ा समाज में, देश में, देश की राजनीति में हो गया है। ठीक है, रमाकांत उपाध्याय, बीजेपी को रुझानों में लगातार आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, सपा कड़ी टक्कर दे रही है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की अगर हम बात करें मात्र 6 सीटों पर है। बिल्कुल मैडम, यहाँ पर अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की बढ़त जिस प्रकार से बढ़ रही है, और यहाँ पर मैं और लोगों को भी सुन रहा था, अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है, वो कह रहे हैं कि अभी बढ़ने के चांस है, ठीक है बढ़ा जाएगा, पर लेकिन बीजेपी इस समय 270 पर बढ़त बना चुकी है, तो इसमें अगर देखा जाए मोटा मोटा तो 20-30 हद करके नीचे आ सकता है, परंतु ये आंकड़ा इस बार ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी फिर द्वारा से सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनाने जा रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, ऐसा मेरा मानना है, परंतु अभी रिजल्ट बकाया है, 12 से 1 के बीच में सही इसका पता चलेगा कि कौन कितनी बढ़त बनाकर आगे निकल पाया और सरकार बना पाएगा। बिल्कुल, अभी रुझान की बात कर रहे हैं, आशावान हमेशा रहना चाहिए जब तक कि नतीजे क्लियर ना हो जाए। कपूर साहब, आप क्या कहेंगे उत्तर प्रदेश में बीजेपी, सपा और कांग्रेस के लिए? देखिए, मैं आपको अपने व्यूज दूंगा, क्योंकि बीजेपी ने जमीनी स्तर पे बहुत काम किया है, अब मैं पार्टी का नाम लेके बोलूंगा क्योंकि रुझान काफी हद तक क्लियर है। बिल्कुल, तो इसलिए बीजेपी ही वहां पर सरकार बनाएगी। नंबर दो मैं आपसे कहना चाहूंगा, क्योंकि वहां की जो है अच्छी लीडरशिप है, अच्छी गवर्नेंस है वहां पर, अच्छा वहां पर उन्होंने काम किया है और प्रोग्रेसिव उन्होंने सारी प्रोजेक्ट्स हो चाहे किसी भी किस्म का हो, उन्होंने बहुत वहां पर डेवलपमेंट की है, और ये विकासवादी ही पार्टी है जिसने विकास किया है। अब मैं आपको बाकी की जो 4 जगह है उनके बारे में भी स्टेट्स का बताऊंगा कि बीजेपी देखिए अभी सब जगह लीड कर रही है एक्सेप्ट एक जगह, पंजाब को छोड़ दीजिए। मुझे अच्छा है कि आम आदमी पार्टी को भी एक मौका मिला है वहां पर अपनी सरकार बनाने के लिए। आशा करता हूं, मेरी मुबारक है केजरीवाल साहब को भी कि वहां अच्छी सरकार देंगे, स्टेबल सरकार देंगे, और पंजाब जो कि पिछड़ चुका है उसको आगे के फर्दर डेवलपमेंट देंगे। चन्नी साहब का चेहरा आगे रखना भी कांग्रेस के काम नहीं आया वहां पर कपूर? देखिए, चन्नी साहब का ऐसा है कि उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो नए लीडर हैं, और वहां पर जो राजनीति चल रही है पंजाब के अंदर वो सेवा भाव की नहीं है, वहां पर जो राजनीति है लेग पुलिंग की है, और आप देख रहे हैं कि वहां उथल पुथल इतनी हुई है कि कोई भी नेता वहां अपने आप को स्टेब्लिश नहीं कर पा रहा है, और यही अगर राजनीति वहां चलती रही तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा एक स्टेबल गवर्नमेंट देने के लिए भी आम आदमी पार्टी को। तो मैं बाकी के स्टेट्स में भी ये आपको अपने व्यूज देना चाहता हूँ कि बीजेपी ने अच्छा काम किया, क्योंकि बीजेपी के पास अच्छी लीडरशिप, अच्छी गवर्नेंस है, और उन्होंने हर जगह काम किया है, स्टेबल दिया, प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट दी है सेंटर में भी और स्टेट्स में भी, तो उनको इसका नतीजा मिलेगा। आज की जनता जो है बहुत जागरूक है, वो सिर्फ आपकी मीठी बातों से और आपके लुभाव देने से उसमें नहीं होगी, वो तो प्रैक्टिकली देखते हैं कि जमीन पे हमें क्या मिला, धरातल पे क्या काम हुआ और क्या उनकी आशाएं थी जो उन्होंने पूरी की। पर आशाएं भी जो होती हैं, कोई ये ना सोचे कि 24 घंटे के अंदर पूरी हो जाती हैं, आशाओं को पूरा करने के लिए भी थोड़ा समय चाहिए होता है, जिसके लिए मैं ये कहूंगा सरकार ने बहुत पेशेंस रखा, कोरोना के टाइम में भी बहुत किया, हमारे आप देखिए कि यूक्रेन और रशिया की लड़ाई के टाइम में भी पेट्रोल कितनी पीक पर है पर फिर भी सरकार ने नहीं बढ़ाए रेट,
इसीलिए ताकि जनता को राहत मिले। उसके बाद मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि इन्होंने कितनी डेवलपमेंट की, आप डेवलपमेंट पे देखिए, चाहे वो डिफेंस का है, चाहे वो सोशल का है, चाहे वो एविएशन का है, चाहे वो रोड्स का है, तो हर एक नेता ने अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेके काम किया। आप रेलवे को देख लीजिए, पहले सालों से और आज के टाइम में आप देखेंगे जब से बीजेपी सरकार आई है कितनी इम्प्रूवमेंट आई है और देश जो है प्रोग्रेसिव होता जा रहा है और भगवान की दया से ये और प्रॉस्पर करेगा। पर हर पार्टी को सपोर्ट देनी चाहिए, चाहे वो कोई पार्टी है, मिलकर काम करना चाहिए और सेवा भाव से काम करना चाहिए, सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए नहीं काम करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। यहाँ अपडेट आपको देते चले, करहल सीट से अखिलेश यादव आगे चल रहे, शिवपाल यादव जयवंत नगर सीट से आगे चल रहे हैं, कांग्रेस का हाल जान लेते हैं। चूंकि सर आप ये फाइनल कमेंट दे रहे थे इसलिए मैं पंजाब गोवा सब पर आपकी बात सुन रही थी, हम यूपी के बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ इसके बाद विनोद कपूर, अभी ज्यादा वक्त के लिए है नहीं इसलिए इनका फाइनल कमेंट लेना पड़ा। वेणु सिंगला, उत्तर प्रदेश को लेकर मैं आपके पास आ रही हूँ, कांग्रेस प्रवक्ता है आप, जितनी ताकत कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में झोंकी थी उसके आधे का आधा भी बीएसपी ने नहीं झोंका था, वो भी दो सीट पर आपसे आगे चल रही है, उनका 8 पर रुझान आगे चल रहा है, आप 6 पर आगे चल रही हैं, निराशा हाथ लगी है क्या? जी, सच्चाई का सामना करने में ही बुद्धिमानी भी है, भलाई भी है। जो आज आंकड़े हम देख रहे हैं उसके हिसाब से, क्योंकि बाकी जगह तो जी की आवाज स्टूडियो में नहीं मिल रही हमें, अभी रिजल्ट्स आने दीजिए, लेकिन ठीक है। हेलो, बोलिए मैम, बोलिए बोलिए, आपसे आगे चल रही है इस वक्त बीएसपी उत्तर प्रदेश में वेणु सिंगला। बिल्कुल, देखिए सच्चाई को स्वीकार करना बुद्धिमानी है, बिल्कुल आपके सामने आंकड़े हैं, हम बिल्कुल इस सच्चाई को स्वीकारते हैं, जनता का फैसला है और लोकतंत्र में जनता का फैसला ही सर्वोपरि है। ठीक है, कहीं ना कहीं यदि हमारी कमी रही है उसको पूरा करने में हम पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन शायद जनता अभी असली मुद्दों को नहीं पहचान पाई और जनता क्योंकि भोली भाली है वो उसको बरगला जल्दी से देते हैं, तो वो किस मुद्दों पर उन्होंने उस तरह से जनता को बहलाया फुसलाया वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन ठीक है, सच्चाई आज आपके सामने है कि जो आंकड़े दिखा रहे हैं वही सच है। किसने बहलाया या किसने बहलाया, अगर वेणु जी मैं जानना चाहूँ, आपसे आगे 3 पार्टियां दिख रही उधर। देखिए, इस बात पर मत जाइएगा, इस बात पर मत जाइएगा, जो नीतियां आप देख रहे हैं सेंटर में, जो बीजेपी जिस ढंग से जनता के साथ झूठ की राजनीति कर रही है, बिल्कुल हम मानते हैं वो जीत रहे हैं और उनको बधाई भी देते हैं, स्पोर्ट्समैनशिप रखते हैं हम, इस तरह की बात हमें सिखाई गई है, लेकिन मैडम ये किस तरह की बधाई है कि भैया आपने बरगला लिया हमारी भोली भाली जनता को, आपको बधाई, ये कैसी बधाई है? वेणु जी तो रिजल्ट को दे रहे हैं, ठीक है भाटी साहब, और करते रहेंगे भाटी साहब, पर मंथन भी होगा। मुझे आपकी मुस्कुराहट नहीं दिख रही भाटी साहब, जिस तरह से आप लोग इतना अच्छा प्रदर्शन रुझानों में ही दिखा रहे हैं, मुझे खिलखिलाता हुआ चेहरा दिखना चाहिए था। नहीं नहीं, निश्चित तौर पर चेहरा जो है खिलखिलाता हुआ ही है और हम तो कहेंगे पूरा देश खिलखिलाता रहे, यही भारतीय जनता पार्टी की तमन्ना है और यही हमारी वर्किंग है। मैं अभी कुछ साथियों को सुन रहा था, देखिए आप ये 5 स्टेटों के चुनाव हैं और 4 में निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी और लीड कर रही है, अभी रुझान आए हैं थोड़ी देर में। ये पहले उत्तर प्रदेश पर बोल दीजिए, मेरे पास बहुत समय है, एक एक करके आगे बढ़ूंगी मैं, और भी मेहमान है उनसे भी यूपी पर, मैं आ रही हूँ सर जी, यूपी पर मुझे प्रतिक्रिया लेनी। उत्तर प्रदेश पर आता हूँ, अभी अभी जो है ये आपसे पहले जो डिबेट चल रही थी वो एक एक मुद्दे को लेकर थी, पहले लॉ एंड ऑर्डर पर बात हुई, दूसरी डेवलपमेंट पर बात चल रही थी, मैं फिर लौट कर आता हूँ। अभी मैं एक साथी को सुन रहा था, मैं नाम शायद वो नागेंद्र जी थे या कोई और, नागेंद्र जी समाजवादी बोल रहे थे, कैसी बड़ी विडंबना है आप देखिए कि मतलब जब भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो ईवीएम खराब हो जाती है, ईवीएम में धांधलीबाजी हो जाती है, जब अपोजिशन जीतती है, ममता जी पश्चिम बंगाल में जीतती है, दिल्ली में केजरीवाल जी जीतते हैं या कहीं दूसरी जगह, तो वो ईवीएम ठीक हो जाती है। देखिए कैसी विडंबना है, ये दोहरा चरित्र कैसे चलेगा।
आप जो भी बातें करते हैं। नहीं नहीं, वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने कंप्लेन किया, चुनाव आयोग ने एक्शन लिया है, पनिश किया है नागेंद्र जी ने, यहाँ तक कहा उन्हें। देखिए मैं एक कहता हूँ, एक मशीन किसी एक बूथ की खराब हो सकती है, चार बूथ की खराब हो सकती है, क्या सारे का सारा चुनाव करप्ट हो गया क्या? आप जनता के मैंडेट को मानिए, जनता ने जो जनादेश दिया उसका सम्मान। चलिए मैं दोबारा आ जाऊंगी। महेंद्र प्रताप सिंह बीजेपी नेता भी हमारे साथ एक नए मेहमान के तौर पर जुड़ गए हैं। सर मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन अनिल राव से होते हुए, अनिल राव साहब उत्तर प्रदेश में बीजेपी की बल्ले बल्ले। से सहमत हूँ अभी, क्योंकि आपका जो बूथ है अब वो शहरीकरण से चल रहा है या गांव से आ रहा है, ये अभी गर्भ में हमें नहीं पता, हम यूं आपने विचार दे दें। जब तक शाम तक इसका रिजल्ट पूरा ना आ जाए, ये तो 100% तक बीजेपी बनेगी। वो 100% मैं कैसे कह रहा हूँ कि यदि बीजेपी मान लो 270 के नाके 180 भी आ गई, 180 भी आ गई, 175 भी आ गई या 190 भी आ गई, तो भी ये सरकार जो सरकार उनकी बनेगी। सेंटर का सबसे बड़ा फायदा होता है, आज वोटर वोट डालते हर चीज सोचता है कि यदि मान लो हमने अखिलेश जी को बना भी दिया तो कहीं बजट नहीं आए, या बीजेपी ने इतना ज्यादा टेरर कर दिया हो तो अखिलेश जी निकल जाते, लेकिन फिर भी अखिलेश जी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। ये सेम वेस्ट बंगाल का चुनाव था, मैं वेस्ट बंगाल में उस वक्त अपना टेंट का काम कर रहा था, वहां मैं नोट कर रहा था वहां पे कि बीजेपी के कार्यकर्ता जब मेरे पास बैठते थे वो कहते थे हम एक भी सीट नहीं जीतेंगे, और कागजों में 150 दिखा रहे थे। उन्होंने कहा कि मोदी जी को बड़ी वोट दे देंगे, 18 सीट की जगह 22 कर देंगे, लेकिन गुजरात वाले को यहाँ पे बंगाल में वहाँ की सोच अलग है, वहाँ वोटरों की, वहाँ ये नहीं देख रहे कि ममता के पास बजट कहाँ से आएगा, नहीं तो पटनायक जी की तरह ममता जी ने भी मिलकर चलना चाहिए, मोदी जी को चुनाव जिस दिन पूरे हो जाए उसके बाद उस पार्टी से मिलकर चलना चाहिए कि भैया सेंटर से मदद मिले ताकि स्टेट। ठीक है, ये बड़ी खबर बीच में हम अपडेट करते जा रहे हैं, स्क्रीन भी देखते रहिए हमें सुनने के साथ साथ। बीजेपी की बढ़त 270 सीटों से अब 260 पर आ गई है, 10 सीट पर महेंद्र जी आप लोग वापस पीछे चले गए हैं, तो रुझान ये, फिर भी आप लोग आगे चल रहे हैं, लड्डुओं को पर केजी आप बढ़ा सकते हैं अगर ऑर्डर दिया है आप लोगों ने, तो यहाँ तो लेकर आए नहीं। बीजेपी की बढ़त 270 सीटों से 260 पर। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 103 सीटों पर आगे चल रही है, समाजवादी पार्टी की सीटें बढ़ी हैं, 10 सीटें घट गई हैं, क्योंकि अभी काउंटिंग चल रही है और हम अभी रुझान पर ही बात कर रहे हैं। आप अपनी बात पूरी करें तो मैं अजीत यादव के पास आगे बढ़ूं। हाँ, तो मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ अभी गर्म में जब तक क्लियर नहीं आ जाए पोजिशन, क्योंकि ये चुनाव आमने सामने का है, बीजेपी को लॉस कहाँ हो रहा है? यदि मायावती भी मजबूत होती, कांग्रेस भी मजबूत होती, अखिलेश भी मजबूत होते तो बीजेपी एक तरफ से निकल जाती सारी। आप आमने सामने की टक्कर में यदि मान लो 250 वोटों से हार गया बीजेपी, पता जीत रही है और लास्ट में हार गई, या अखिलेश जी बढ़त में आज बाद में पता चला 200 वोट से हार गया कैंडिडेट, इसलिए आमने सामने की लड़ाई है। बिल्कुल, बहुत अच्छा चुनाव, कड़ी टक्कर दी है, बड़ी बड़ी कड़ी टक्कर दी है। हाँ। साइकिल ने पूरी कोशिश की है कि कमल को ना खेलने दिया जाए, लेकिन कमल फिर भी बढ़त बनाए हुए है। अजीत यादव जी, उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से योगी सरकार बढ़ने के आसार बहुत पुरजोर दिखने लगे हैं इन रुझानों के साथ ही, उत्तर प्रदेश क्या अपना इतिहास बदल रहा है कि नहीं रिपीट करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो रुझानों के हिसाब से बढ़ती नजर आ रही, चार स्टेटों में बढ़ती नजर आ रही, उनको बहुत बहुत बधाई। जो हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता, इन्होंने सभी ने अपने विचार दिए कि ये रुझान ऊपर नीचे होते रहेंगे, लेकिन सरकार बनना तय है। मैंने एक बात पहले भी कहा था कि जब एक स्टेट में पहले से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसने अच्छे काम किए, हो सकता है कोई ना कोई त्रुटियां रही हो, अगर त्रुटियां ना हो तो सीटें बढ़ जाएंगी, अगर कुछ त्रुटियां रह जाती है तो सीटें कम रह जाएंगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा बने और उन कमियां को दूर करें तो ये लगातार सिलसिला जारी रहेगा, और सरकार बदलती भी रहनी चाहिए और विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए। अगर विपक्ष मजबूत नहीं होगा तो सरकार मनमानी चलाएगी, चाहे केंद्र की बात हो और चाहे राज्य की बात हो। हमारे साथी अनिल राव जी ने कहा कि दोनों केंद्र में और स्टेट में अगर एक ही सरकार हो, छोटी और बड़ी, तो तालमेल बढ़िया रहता है, फंड अच्छे मिलते हैं, लेकिन वोटर इस चीज को समझने लगा है अब कि अगर हमें कुछ चाहिए तो सेंटर में जो है उसे ही आप स्टेट में भी मौका दे दो, आप ये कहना चाह रहे हैं? पहले बातें कुछ और थी, घर का ये मुखिया बोलता था कि आपने बीजेपी की वोट देनी, सारा परिवार बीजेपी वोट देता था, बिल्कुल, लेकिन आज समय बदल गया, आज दुनिया, आज जनता जागरूक हो गई, जनता वोट उसको करती है जो काम करते हैं।
उत्तर प्रदेश में, लेकिन कांग्रेस को बहुत बड़ी निराशात लगी है। पूरे ताकत झोंक देने के बाद भी अभी भी ये 6 से आंकड़ा इधर उधर नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है कोई कमी ना हो जाए, 6 से नीचे ही ना चला जाए। ये बहुत खराब प्रदर्शन कांग्रेस का। कांग्रेस की लीडरशिप तो खत्म होती थी, वो आपसी परिवार पारिवारिक कलह हो गया उनका। एक कांग्रेस पार्टी का परिवार है, उनका कलह ही खत्म नहीं होता। जब कलह खत्म होगा तो आगे बढ़ेंगे ना, तो कांग्रेस तो इससे भी करारी हार मिलेगी आगे, और स्टेट में भी चुनाव होंगे, कांग्रेस नहीं उभर पाएगी। मेरा अपना व्यक्तिगत राय है। ठीक है महेंद्र जी, आपसे हम शुरुआत कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश पर कुछ बोलिए और उसके बाद सीधे पंजाब पर आ जाइएगा। उत्तर प्रदेश पर काफी देर से बात कर रहे हैं जी। भारतीय जनता पार्टी ने जिस सोच और विचारधारा के साथ उत्तर प्रदेश में फिर से सरकार लाने का काम किया, पहली 2017 के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था, और जो अभी का जो चुनाव 2022 का, वो योगी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, और योगी जी ने जिस त्याग भावना के साथ सभी समाज को, सभी वर्ग को लेकर चलने का काम किया, जो भारतीय जनता पार्टी के विचार और सोच है। और मेरे साथी एक बात कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की यूपी में सरकार आई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 7 वर्षों से है, 5-6 वर्षों से है, और केंद्र की सरकार भी 7 वर्षों से है। और जो यूपी के अंदर गुंडा राज था, जो उड़दंग लोग थे, उन पे विजय पाई है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में योगी जी ने। और योगी जी ने अखिलेश जी को इस बात की मात दी है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में योगी जी एक संस्कारिक व्यक्ति है, संस्कारिक त्यागी है, और योगी जी ने उनको अहंकार के रूप में लिया, जो अपनी समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में अखिलेश जी ने, और जयंत जी ने जो एक जातिवाद के रूप में और एक क्षेत्रवाद के रूप में बांटने का काम किया यूपी को भी, तो उसकी ये योगी जी की नेतृत्व में जीत है, और अखिलेश एक अहंकार के रूप में उसकी हार है जी। लेकिन और, वो आपको कड़ी टक्कर दे रहे हैं वहां पे प्रभु, आपको कड़ी टक्कर दे रहे हैं। नहीं, पहले का यूपी का एक कल्चर रहता था, बहुत सी स्टेट है देश के अंदर, तो नरेंद्र मोदी का नेतृत्व 2 बार से अभी देश में है, लेकिन उत्तर प्रदेश हो चाहे राजस्थान हो चाहे और दूसरे प्रदेश हो, कि 5 साल में सरकारें बदल जाती थी, लेकिन अपने यूपी के इतिहास में पहली बार हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी ने फिर से सरकार लाने का काम किया। ये योगी जी के विचारों की और संस्कारों की जीत है। पंजाब पर आ जाइए, पंजाब का कैप्टन साहब का साथ लेना भी काम नहीं आया। कैप्टन साहब पीछे मुख्यमंत्री रहे, कांग्रेस के नेतृत्व में रहे, लेकिन सबसे बड़ा है कि वहां पे ये कांग्रेस की हार है। भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अवसर था, और कांग्रेस ने जिस तरह से वहां पे मुझे हुकुम सिंह भाटी को एक्चुअली फ्री करना है, तो एक बार मैं पंजाब पर उन्हीं से रिएक्शन ले लेती हूँ, फिर मैं दोबारा आ जाऊंगी। हुकुम सिंह भाटी साहब, पंजाब में आप लोग कल कह रहे थे कि पंजाब जीतेंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत शानदार प्रदर्शन हमने किया है, नतीजे बताएंगे, नतीजे नहीं बता रहे। देखिए हरियाणा अपना पंजाब में, क्योंकि जो पंजाब का जो चुनाव है वो थोड़ा सा हटके था, कांग्रेस का जाना तो तय था, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। महाराज हटके तो तब होता है जब आप आ जाते। नहीं नहीं, वो देखिए हटके तो इसीलिए कि कांग्रेस गई है, तो कांग्रेस, उन्होंने मुख्यमंत्री बदल लिया, उसके बावजूद वो सारे हथकंडे अपनाए, तो कांग्रेस 70 साल से अपनाती आई है, उसके बावजूद भी वो हीरो हो गए, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी और अच्छा प्रदर्शन, हमें उम्मीद थी कि हम और अच्छा प्रदर्शन इसमें करेंगे, लेकिन समय थोड़ा सा कम मिला। पहले अलायंस में रहे, अकाली दल के साथ हमारा अलायंस था, और जो हमारा प्रदर्शन है, थोड़ी उम्मीद है और अच्छी थी, लेकिन जनता जनार्दन का जनादेश है, उसका हमेशा सम्मान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरी बात मैं कहता हूँ, आप पार्टी का कोई मॉडल नहीं है, कुछ नहीं है, बाई डिफॉल्ट जो है ये, क्योंकि कांग्रेस को हराना था और हमारा प्रदर्शन उस लेवल तक शायद नहीं आ पाया, इसलिए कोई और अल्टरनेट नजर नहीं आया, तो आप पार्टी नजर आ। ये जो स्वीकारोक्ति की भावना है ना, मैं कायल हूँ इसकी, आपके स्वीकारोक्ति की भावना की, कि इतना अच्छा हमने परफॉर्म नहीं किया। वेणु जी मुस्कुरा रही है यहाँ पर, गोवा में भी कांग्रेस टक्कर दे रही है आपको। भाटी साहब जाएं आप, उससे पहले गोवा पर थोड़ा बोल दीजिए। नहीं नहीं, देखिए गोवा की जहां तक बात है, गोवा में भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला और भारतीय जनता पार्टी ने वहां पूरा काम करके दिखाया है, और इसी से हमारी सरकार दोबारा से रिपीट हो रही है। सीटें कुछ कम ज्यादा हो जाना एक अलग बात हो रही है, दूसरा थोड़ा बहुत एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी बिल्कुल हमेशा अपना काम करता रहता है, उसमें कोई कुछ ताकतें ऐसी हैं जो इस पर काम करती हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी हमारा 4 स्टेटों में, गोवा लगा लीजिए, बाकी भी 3 स्टेटों और
चार सीटों में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बेहतरीन रहा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों में जनता ने भरोसा किया है और उनको लेकर के आगे हम बढ़े हैं और निश्चित तौर पर आगे बढ़ने का काम करेंगे और शुभकामनाएं। देश को उसके कारगर बनाएंगी। देश का मान और सम्मान दुनिया में बढ़ाया है, सामान्य आदमी को भी उसका सम्मान दिया और हमेशा देते रहेंगे। चलिए शुभकामनाएं। वेणु जी आप मुझे सुन रही हैं क्या? अनामिका पंजाब में आ जाइए। मैं ये भी कहना चाहूंगी का भी काम नहीं आया, चंडी साहब का नाम आगे करना भी काम नहीं आया, अरमानों पर झाड़ू फिर गया। अनामिका मैं इस बात को आगे बढ़ाती हूँ और इसके बाद आप बोलिए। आप बोलिए अनामिका, इसके बाद आपको मुझे फ्री करना होगा। बिल्कुल आप मेरा रिएक्शन ले लीजिए क्योंकि मेरी भी एक मीटिंग है, मुझे जाना होगा। जी बिल्कुल, पंजाब में भी जो हम देख रहे हैं आंकड़े निराशाजनक हैं और कहीं ना कहीं तो गलती, देखिए हम भी मानते हैं कि कुछ तो गलती हुई है कि जिस वजह से, लेकिन जनता का जो फैसला है वो हमेशा माननीय होना चाहिए। हमें समय बहुत कम मिला, चन्नी जी ने बहुत अच्छा जो 3 महीने में काम किया और कांग्रेस का निर्णय भी अच्छा था कि चन्नी जी को एक दलित चेहरे को, एक आम आदमी को बिल्कुल उन्होंने सामने खड़ा किया। लेकिन इस बार आम आदमी का एक एक्सपेरिमेंट जो फ्री वाला था वो काम आ गया। फ्री फ्री में उन्होंने जनता को बिल्कुल बहलाया और जनता ने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी जो एक मुद्दा सेंटर से चला आ रहा है उसको भी साइड में रखकर जनता शायद फ्री के लुभावने मौके तलाशती फिर रही थी और इसलिए बिल्कुल मानते हैं कि इस वक्त पंजाब में कांग्रेस पीछे है। और इसका एक बड़ा कारण यह भी रहा कि जो कैप्टन अमरिंदर का टाइम था, हमें बहुत जल्दी वो एक्शन ले लेना चाहिए था कि समय हमें कम मिला, क्योंकि पहले से ही कुछ ना कुछ खींचतान चल रही थी लेकिन जो नुकसान वो कर गए कांग्रेस का वो भुगतना हमें कांग्रेस को ही पड़ेगा। तो इसलिए आप जो है आंकड़े आपके सामने हैं, बिल्कुल हम उसको मानते हैं और इसके ऊपर मंथन फिर से करेंगे, मीटिंग्स बुलाएंगे कि देखिए कि कहाँ कमी है। फिलहाल जो आपकी समीक्षा है, जो मंथन है वो ये कि जनता को फ्री फ्री वाला कार्ड चाहिए था, फ्री का कार्ड खेल गए यहाँ पर आम आदमी पार्टी के नेता। जी सही कह रहे हैं आप। तो ये ठीक रहा जनता पर है, आम आदमी पार्टी के फ्री वाले कार्ड पर? देखिए एक्सपेरिमेंट करके देखा, उनका एक्सपेरिमेंट सफल हो गया, उनके उनको बधाई देते हैं कि अच्छी मार्केटिंग कर गए वो लोग। कांग्रेस साउंड कर रही है, काम करके दिख रहे हैं कि तब आगे पता चलेगा। देखिए कॉमेडियन कांग्रेस ऐसा साउंड कर रही है कि लोगों को मुफ्त की चीज चला सकता है, इसलिए आपको चुन लिया। अनामिका मुझे जाना होगा तो मैं आपसे क्षमा चाहूंगी। ठीक है मैम, बहुत शुक्रिया। अगर आप मुझसे अभी कोई और रिएक्शन चाहती हैं तो आप ले लीजिए प्लीज। मैंने आपसे पूछा ना, आप ऐसा साउंड कर रही हैं, कांग्रेस ऐसा साउंड कर रही है। चलिए मैम बहुत शुक्रिया, शायद आप मीटिंग के लिए लेट हो रही हैं। अजीत यादव जी मैं आपके पास आ रही हूँ। वेणु सिंगला के इस बात को किस तरह से समझा जाए, जनता जनार्दन सर्वोपरि भी है, जनता जनार्दन का हुक्म उनका फैसला हम सराखों पर भी रखते हैं, उनको फिर भोली भाली भी बता देते हैं, फिर उनको मुफ्तखोर भी बता देते हैं, ये क्या बात हुई? देखिए जो जनता जनार्दन पर आरोप लगाए जाते हैं वो गलत है, ऐसे नहीं लगाने चाहिए। कांग्रेस भी यही काम करती थी। वो डिपेंड करता है कि कौन पार्टी कितनी सक्षमता से पब्लिक को लुभावने भाषण दे सकती है, लुभावने उनको लोभ दे सकती है और जनता किसके ऊपर भरोसा करती है। आज आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में 3 टर्म हो गए, थोड़ा केजरीवाल जी पहले थोड़े टाइम के लिए बने थे, 50 दिन के लिए आई थिंक, या 49 दिन के लिए दूसरा कार्यकाल उनका पूर्ण होने जा रहा है। तो दिल्ली में सरकार चलाना एक अलग बात है और पंजाब में सरकार चलाना अलग बात है। सही मायने में चुनौतियां ज्यादा होंगी। अगर केजरीवाल जी पंजाब चलाने में सफल होते हैं तो हम ये मानेंगे केजरीवाल जी सफल नेता साबित होंगे। केजरीवाल जी ने दिल्ली को चलाया, दिल्ली में शहरीकरण है, ग्रामीण क्षेत्र बहुत कम है और जो आवश्यकताएं होती हैं या जो जरूरतें होती हैं ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा होती हैं, चाहे बिजली की बात ले लें, पानी की बात ले लें, आप जनता के हित की बात ले लें, जो गरीबी ग्रामीण क्षेत्रों में है वो शहरी क्षेत्र में नहीं। आम आदमी पार्टी की इन चुनौतियों पर मैं आपके पास आ रही हूँ अनिल राव जी। हाँ जी, आम आदमी पार्टी एक बार जरा अपडेट कर दे, दिखा भी रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस
15 सीटों पर आगे चल रही है। पंजाब में जहां 117 सीटों पर वोट डाले गए, आज काउंटिंग है, जहां पर कांग्रेस जो है बहुत अच्छा करेगी ऐसी उम्मीद लगाकर और आप टक्कर देगी, लेकिन आपने कुछ इतना टक्कर दिया कि आप नंबर एक पर चली गई है 88 सीटों के साथ। 15 सीटों पर कांग्रेस है, बीजेपी 4 और शिरोमणि अकाली दल के लिए 9, अदर्स को 1। अब आ जाइए अनिल राव जी, कह रहे हैं यहाँ पर अजीत यादव कि आम आदमी पार्टी के पास चुनौतियां होंगी, दिल्ली में सरकार चलाना अलग बात है, पंजाब में अलग होगा। देखिए इसमें कोई शक नहीं कि यहाँ पे दिल्ली के अंदर पुलिस फोर्स और एमसीडी उनके अंडर नहीं थी। अब ये देखने की बात है, उनको मौका दिया है और उनको मौका क्यों मिला है पंजाब में कि पंजाब में पहले अकाली दल और बीजेपी थी, उसके बाद कांग्रेस है, और आप जब जहां पे बीजेपी कमजोर है, आज सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी पूरे हिंदुस्तान में, जहां जहां बीजेपी कमजोर होगी वहां आप स्वीकार किया जाएगा धीरे धीरे। जैसे उत्तराखंड में अगर बीजेपी ठीक थी तो आप नहीं आ रही, यूपी में बीजेपी मजबूत है तो आप नहीं आ रही, आप विकल्प कहां बनेगी जहां बीजेपी कमजोर हो जाएगी, जहां जहां बीजेपी कमजोर होगी वहां आप आएगी, या तो वहां पे कोई क्षेत्रीय पार्टी बहुत मजबूत हो तो काम करेगी। रही बात काम करने का, देखिए मोदी जी सबसे पहले सीएम बने तो किसी ने सोचा थोड़ी था, लेकिन उनके एक्टिवनेस, उनका काम करने की स्टाइल, मैं उनसे पर्सनली मिला हुआ हूँ, 96 में देखा था मैंने उनको, मेहनती आदमी है, तो उन्होंने गुजरात की जनता ने फिर दोबारा मौका दिया, फिर दोबारा मौका दिया, ऐसे ही इंडिया में उनको मौका दिया जाएगा, चाहे अखिलेश जी हो, चाहे ममता जी हो, चाहे पटनायक जी हो, चाहे केजरीवाल जी हो, इन सभी नेताओं ने अपने अपने स्टेट में काम खूब करें और अपने बढ़ावा खूब करें, लेकिन अगर जब चुनाव होने के बाद मेरे हिसाब से देश के साथ चलना चाहिए सबने मिलके, वो ठीक है आप अपनी पॉलिसी अपनी रखिए, आप कम काम करके दिखाइए, आज दूसरों की लाइन मत मिटाइए, आप अपनी लाइन को बड़ा करो। केजरीवाल जी अगर पंजाब में मॉडल दिखा देंगे, मुझे तो उम्मीद है, क्योंकि मैंने फिजिकली एक बार मिलेगा ऐसे अपनी लाइफ से, मैंने जब वहां पे स्टाइल देखी काम की कि एक गरीब आदमी डोमिसाइल बनाना है, वो वहां दरवाजे से घुस रहा है और लास्ट में शाम तक उसका डोमिसाइल बन के आ जाता है, और हमारे यहाँ पे चक्कर काटते काटते, अब तो खैर वो ऑनलाइन सिस्टम हो गया सब कुछ, मैं पिछले 5 साल पीछे की बात कहना चाह रहा हूँ कि उस वक्त इतने धक्के काटते थे। आप ये कह रहे हैं कि दिल्ली का मॉडल पंजाब में करके दिखा देंगे तो उनकी बेहतरी के लिए होगा? बेहतरी नहीं, मैं आज फिर कह के जा रहा हूँ, अगर वो पंजाब में कामयाब हुए, क्योंकि पंजाब जो है वो यारों का यार है, दिलदार है, वो जो सारे अपने सिख समुदाय है वो यार। ठीक है, रमाकांत उपाध्याय, पंजाब यारों का यार है, लेकिन कांग्रेस को अब यार नहीं मानता पंजाब। बस बिल्कुल सही बात है, पर लेकिन कांग्रेस को तो क्या, भारतीय जनता पार्टी को भी नहीं, इस समय अकाली को भी नकार दिया, जो सबसे पुरानी वहां पर अगर देखी जाए पार्टी है, आज झाड़ू का बोलबाला है, इस समय पंजाब के अंदर बड़े अच्छा रिजल्ट दिख रहा है, और ये रिजल्ट, ये समझ लीजिए मेरा अनुमान है कि लास्ट टाइम तक 65 तक और रह जाएगा। आम आदमी पार्टी आज पूर्ण बहुमत से आज सरकार पंजाब के अंदर बनाने जा रही है, इसमें कोई दोहराय नहीं है। ठीक है, इस बार आप क्या कह रहे हैं अमित नेहरा जी, पंजाब में एक बार फिर मैं लौट कर आ गई पंजाब में। पंजाब में आपकी खबर पे मुहर लग गए, आम आदमी पार्टी बढ़ते हैं, खासकर मालवा जो रीजन है वहाँ पे आम आदमी का प्रदर्शन बहुत शानदार रहा है शुरू से ही, इलेक्शन से पहले ही, और उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे कई मुकाबले बड़े नजदीकी रहे हैं, दो दलों की सीधी टक्कर नहीं रही। सीएम चन्नी चमकौर साहिब सीट से पीछे चल रहे हैं, ये अपडेट ले लीजिए, भगवंत मान धुरी सीट से आगे चल रहे हैं, भगवंत मान का नाम आगे रखना भी काम आया, किया जो तुरुप का इक्का आगे किया था, छोड़ा था कांग्रेस ने चन्नी साहब के नाम पर, भगवंत मान के नाम पर वो कार्ड आपके लिए काम कर गया जो कांग्रेस के लिए नहीं किया। ये अपडेट बताते हुए नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर पूर्व से सीट से पीछे चल रहे हैं, ये अपडेट बताते हुए एक बार फिर आगे बढ़ेंगे, बोलिए सर। तो एक और चौंका देने वाली खबर है कि पटियाला जो पीएलसी सीट है वहां से कैप्टन अमरिंदर पीछे चल रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी ये बात है, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर
पीछे लगातार मुख्यमंत्री रहे हैं और उनका हारना खुद की सीट पे और वो राजा परिवार से रहे हैं, तो ये बहुत कुछ कहता है। पंजाब में क्या है कि ज्यादातर सीटों पे सीधी फाइट नहीं रही है आम आदमी पार्टी की और कांग्रेस की, लगभग चार कोणीय मुकाबला भी रहा है। जो कृषि जो एक बार फिर रोक रही हूँ, कैप्टन अमरिंदर पटियाला पीएलसी सीट से पीछे चल रहे हैं, आप उनका जिक्र कर रहे थे और तुरंत ही अपडेट आ गई, बोलिए जी। तो ये बहुत कुछ कहता है। आप देखिए वहाँ की जो रीजनल पार्टी जिसके लिए पंजाब जाना जाता है वो अकाली दल रही है शुरू से। अकाली दल का कहीं ना कहीं रोल रहा है, या तो वो सत्ता में रहे हैं या मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में रहे हैं, आप इस चीज पे ध्यान दीजिए। और बीजेपी उनकी सहयोगी एक इकाई के रूप में वहां पे रही है, लेकिन अकाली दल का इतना बुरा हाल होना तो एक तरह से जैसे हरियाणा में लोकदल के साथ हुआ है वो एक तरह से वहां हो गया। यहाँ पे कारण दूसरे रहे हैं, बेशक लोकदल के खराब प्रदर्शन के, उनके पारिवारिक विघटन जो हुआ, लेकिन वहां क्या हुआ कि अकाली दल अपना एक मैसेज छोड़ने में कामयाब नहीं रहा। हालांकि उनकी जो मुख्यमंत्री थी सेंटर में उसने इस्तीफा तो दिया मंत्रिमंडल से कृषि कानून के विरोध में, लेकिन वो उस टाइम नहीं दे पाई जब अध्यादेश लाए गए थे उस समय वो शामिल थी। तो पंजाब के लोगों का गुस्सा अकाली दल के प्रति इस वजह से था, तो इससे वो एक प्रदर्शन नहीं कर पाए। फिर वोट उनका बट गया, जो किसान संगठन थे उन्होंने एक पार्टी बनाई थी उसमें भी काफी वोटें गई हैं, खराब हुई हैं। तो ये मुकाबले में जो सीटें फंसी तो उसका सीधा सीधा मुकाबला आम आदमी पार्टी को हुआ। एक आम आदमी पार्टी को एज इसलिए मिला, मैं सभी जो प्रतिभागी हैं उनकी बातें सुन रहा था तो एक चीज समान रूप से सामने आ रही थी कि विकास हुआ है, विकास के नाम पे ये पार्टी आ गई है ये। लेकिन मेरा ये मानना है व्यक्तिगत रूप से कि विकास का और इलेक्शन जीतने का कोई आपस में सीधा संबंध नहीं है। इलेक्शन मैनेजमेंट एक अलग विषय है, डेवलपमेंट होना एक अलग विषय है, उसको आपको अलग तरीके से देखना ही होगा। आप अगर डेवलपमेंट को मानते हैं तो अब हमारे बीजेपी वाले भाई बैठे हैं तो अटल बिहारी वाजपेयी का जो कार्यकाल था वो कोई बुरा कार्यकाल नहीं था, डेवलपमेंट तो उस टाइम में भी हुई थी लेकिन वो नहीं जीत पाए, वजह यही रही कि मैनेजमेंट सही नहीं हुआ। अब कांग्रेस कई जगह जीतती रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कांग्रेस ठीक काम कर रही है। योगी वहां पे जीते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनके सभी कार्यों पे मोहर लगी है, आलोचना भी बहुत हुई है। एक इलेक्शन मैनेजमेंट होता है, उसमें कैसे आपको डिलीवर करना है, कैसे मीडिया मैनेजमेंट करना है, कैसे बूथ मैनेजमेंट करना है, ये बहुत सारी चीजें होती है। तो उसमें जो चीज पारंगत होगी, जो पार्टी पारंगत होगी तो उसको निश्चित रूप से एज मिलेगा। आम आदमी पार्टी का तो पंजाब में कुछ नहीं था, उनकी ना तो सरकार थी ना उन्होंने कोई डेवलपमेंट कराई, फिर भी वो इतने थंपिंग मेजोरिटी से आई। इसका मतलब ये है कि उन्होंने बूथ लेवल पे कार्यकर्ता लेवल पे काम किया है तो वो एक फायदा मिलता है। इलेक्शन मैनेजमेंट पे अनिल राव मैं आपसे फाइनल कमेंट लेने के लिए आ रही हूँ, और चूंकि आप चले जाएंगे इसके बाद आपका ये फाइनल कमेंट है तो आप जरा पंजाब के अलावा भी गोवा मणिपुर और उत्तराखंड पर भी बोलिए। देखिए मैनेजमेंट के मामले में तो बीजेपी के कभी कभी कांग्रेस का भी संगठन इस तरह होता था कि जिला अध्यक्ष बनने में कितने झगड़े होते थे और आज यहाँ पे सीट खाली पड़ी कांग्रेस की कहीं पे भी, ऐसी बीजेपी की अपना एक संगठन है। इन्होंने एक एक मतलब बूथ के ऊपर इनका अपना नाम तो दे रखा है, मंडल मंडल ऐसे लगाए हुए हैं, लेकिन ये नहीं है। मैनेजमेंट कर सकती है, पर्ची पहुंचा सकती है, लेकिन जनता का मन बदला जाएगा, मैं अमित जी की बात सहमत नहीं हूँ बिल्कुल भी। डेवलपमेंट पे बहुत कुछ है। आज जिस तरह मैं इंदौर से सुबह 9 बजे चला और रात को 10:30 बजे अपनी गाड़ी से पहुंच गया गुड़गावा, ये रोडों की है। माननीय गडकरी मंत्री जी नाम मैंने पहले भी कहा था, मेरे किसी के सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मगर जो अच्छा कर रहा हो चाहे वो सपा में कर रहा हो, चाहे ममता जी कर रहा हो, चाहे पटनायक जी करो, हमें कहना पड़ेगा ताकि जो अच्छा काम कर रहा है तो उसको अपना वो मिलती है, यार ठीक है भाई मुझे शाबाशी मिली। आज रोड की इतनी अच्छी व्यवस्था है, जब रोड अच्छे होंगे तो रोजगार निकलेंगे, फैक्ट्रियां आएंगी और देश तरक्की करेगा। तो ये नहीं डेवलपमेंट को भी देखा जा रहा है, लेकिन यूपी का मामला अलग है, पंजाब का मामला अलग है। पंजाब में यूपी में टेरर है, यूपी के अंदर एक समुदाय से टेरर है, इसमें कोई शक नहीं, 100% टेरर है कि यदि सपा आ गई तो ये ना हो जाए। और उस टेरर में ही जो समुदाय सिख मुसलमान समुदाय जो है हमारा
उन्होंने एकजुट होकर वोट दिए सपा को, और ये जब भी रिजल्ट 124 अभी और बढ़ेगा, ये मैंने आपको बताया रिजल्ट आएगा बड़ा। और पंजाब का अलग मामला है, उत्तराखंड का अलग मामला है, गोवा का अलग, हर स्टेट का अपना अलग मुद्दा है। कैप्टन का साथ लिया बीजेपी ने पंजाब में, वो खुद अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं, बिल्कुल भी एक औसत प्रदर्शन जो कहते हैं वो भी भाजपा के लिए नहीं कहा जा सकता पंजाब में। मैं कह रहा हूँ कि गलती करिए भाजपा ने उनके साथ मिलकर, बिल्कुल डूबता हुआ जहाज। अरे जब 80 साल हो गई माननीय मुख्यमंत्री जी, आप राजा हो, आप महाराजा हो, आप 80 साल होगी, ठीक है कांग्रेस ने आज आपको कोई पुलिस आई होगी आप हटिए, अरे सब गद्दी सब कुछ होती है क्या? वो अपने कांग्रेस में रहते सीनियर लीडर बन के, उनकी इज्जत रहती है, पत्थर मजबूत बन के रहते। आज क्या हालत करा लिया, आज आज खुद हार रहे हैं। चलिए उनकी हालत पर रमाकांत जी आपके पास आ रही हूँ, और बीजेपी के इलेक्शन मैनेजमेंट पर भी बोलिएगा। बीजेपी के मैनेजमेंट का इलेक्शन, कहते हैं कि बीजेपी हमेशा चुनाव के मोड में रहती है, इलेक्शन के मोड में रहती है और इसके लिए जाना जाता है, लेकिन पंजाब में काम नहीं आया। बिल्कुल मैडम, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है कि बीजेपी का जो वर्तमान में जो मैनेजमेंट अगर देखा जाए हिंदुस्तान के अंदर, तो काफी हद तक बूथ लेवल है, मंडल लेवल है, उन्होंने कई ऐसे बना रखे हैं। राव साहब जी कह रहे थे कि नहीं विकास, अकेले विकास से बात नहीं चलेगी। मैं अमित जी की ही बात को दोहराना चाहूंगा, जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने लोगों को जगह जगह तैयार करके रखा है, यहाँ पर कांग्रेस बहुत दूर दूर तक नजर नहीं आती। कांग्रेस के नेता सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए बड़ी बड़ी जगहों पर जाने लगे हैं, वो सोचते हैं कि सिर्फ फोटो खिंचवाने से ही हमारा नाम हो जाएगा और हमें वोट मिल जाएगा। नहीं, आपको धरातल बूथ लेवल पर काम करना पड़ेगा, जन जन तक जाना पड़ेगा, आपको घर घर तक जाना पड़ेगा, तभी यह वोट आपको मिल पाएगा। और इस पांच राज्य के चुनाव से हम इनको सीखना चाहिए कांग्रेस के लोगों को कि जिस प्रकार की जो इनको हार मिल रही है, अगर देखा जा रहा है जो रुझानों में जो हार मिल रही है, तो ये कहीं ना कहीं एक चौंकाने वाला रिजल्ट है। क्योंकि प्रियंका गांधी ने, आपने भी देखा होगा, हम सब देख रहे थे कि प्रियंका गांधी ने कोई कसर नहीं छोड़ी, जहां पर कहीं कोई कांड हुआ वहां पर पूरा ताकत झोंक दी, रात दिन एक कर दिया, पुलिस वालों से लड़ी, मीडिया के सामने भी उन्होंने कई बार ऐसे बातें कही, और योगी को घिरने के लिए उन्होंने कई बार ऐसे शब्दों का उच्चारण किया। फिर भी आज अगर देखा जाए इतनी बड़ी हार कांग्रेस को अगर उत्तर प्रदेश के अंदर देखी जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं इनके मैनेजमेंट की बात है, यहाँ पर विकास की बात नहीं है। विकास के लिए और राज्य है, आज पंजाब खो दिया इन्होंने, विकास में कमी करने के लिए कोई भी सरकार ऐसी नहीं है जो विकास के लिए। उत्तराखंड में सीएम धामी पीछे चल रहे हैं, ये आपको हम बता दें यहाँ पर, और चमकौर साहिब सीट से सीएम चन्नी पीछे चल रहे हैं। पंजाब और उत्तराखंड के सीएम अपनी सीट में पीछे चल रहे हैं, बहुत खराब प्रदर्शन अभी तक के रुझानों में। आगे बढ़ रही हूँ, अखिल खान हमारे साथ आप प्रवक्ता जुड़ गए हैं, सर पार्टी करके आए हैं, जाकर पार्टी करेंगे या पार्टी की तैयारियां चल रही हैं? पंजाब में आप बहुत बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो इस पूरे इलेक्शन की है वो ये है, इट्स ए बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ भाजपा करप्ट सरकार। इन्होंने जो है राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जो भ्रष्टाचार देश में फैलाया हुआ है, और ये मैनेजमेंट की बात करते हैं, ये करप्शन जो क्रिमिनल्स होते हैं ना, वो बहुत बड़े ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। उन्होंने पूरे देश को बर्बाद करने में कुछ लोग इकट्ठा करके पैसा कमा के, जनता से पैसा चूस करके, खून चूस करके, इन लोगों ने जो रेजिम बनाया है ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। देश की जनता में अवेयरनेस आ चुकी है, और आम आदमी पार्टी जो पंजाब में आ रही है, ये देखिए, ये हिस्टोरिकल इवेंट है हमारे देश का, और इस हिस्टोरी को आप देखेंगे कि कन्वर्ट होते हुए पूरे देश में देखेंगे। पूरे देश की जनता को आज ये पता चल गया है कि ना कांग्रेस, ना समाजवादी, और ना ही और कोई पार्टी देश को अगर कोई दिशा दे सकती है, तो वो है आम आदमी पार्टी और उसके नेता अरविंद केजरीवाल। उन्होंने जो विकास के लिए काम किया है, मैं अपने एक मित्र से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि विकास के नाम पे वोट नहीं दिया था। सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट और एजुकेटेड लोग दिल्ली में रहते हैं, पूरे इंडिया के, पूरे देश के, हमारे देश के सबसे डायनामिक और इंटेलिजेंट लोग दिल्ली के अंदर है। उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि कौन बंदा सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे देश के लिए। आपने, उसी तरह आपने, सर, उसी तरह पंजाब के लोग भी पूरे देश के अंदर, पंजाब सबसे बड़ा और सम्पन्न राज्य है। सर आपने कहा कि ये भाजपा के अंत की शुरुआत है, बिल्कुल आपने यही से शुरू किया ना, बिल्कुल। लेकिन कहा ये जा रहा है कि आपने वहां पर जाकर चुनाव लड़ा और पूरी ताकत झोंकी, जहां आपकी भाजपा से टक्कर थी ही नहीं, आपकी टक्कर सीधे कांग्रेस से थी, ये यहीं पे बैठे विश्लेषक कह रहे हैं। उसके बाद सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कहते हैं, अगर आप लॉजिकली देखें ओवरऑल,
मैं इंजीनियर मैडम और मैं एनालिसिस करना जानता हूँ और पिछले 11 साल से मैं अरविंद जी के साथ हूँ और मैं उनसे जुड़ा हूँ, मुझे बहुत ऑफर थे कांग्रेस से कि आइए आप हमारे साथ, सलमान खुर्शीद जैसे लोगों ने मुझे ऑफर दिया था, लेकिन मैंने देखा कि देश को अगर बदलाव कोई चाहिए, सच्चे मायनों में बदलाव चाहिए, तो वो अरविंद केजरीवाल जी ही दे सकते हैं, आम आदमी पार्टी दे सकती है, और उन्होंने करके दिखाया है पहली बार देश के अंदर। ये मीडिया से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो रियलिटी वो जरूर दिखाए, रियलिटी दिखा रहे हैं, रियलिटी दिखा रहे हैं कि वहाँ की टक्कर बीजेपी से थी ही नहीं। देखिए बीजेपी की हालत देखिए ना, चार पर है, वो तीन हो जाएगा लेकिन पांच नहीं हो रहा है। आपके ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं, वो तो हो भी नहीं सकता, जितना मिलना चाहिए हमको वो प्लीज उसको देने की कोशिश करें। अभी खैर पूरे देश की जनता को ये पता चल चुका है कि देश का सबसे समृद्ध राज्य जहां पे सबसे ज्यादा अवेयरनेस है इस वक्त, उसमें आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है, वो भी थंपिंग मेजोरिटी से। आज तक कभी इतनी बड़ी जीत किसी पार्टी की नहीं हुई है, तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। और मैं मीडिया से ये रिक्वेस्ट, बड़ा बदलाव तो है पंजाब में, बहुत बड़ा बदलाव है, पंजाब ने एकदम से तख्ता पलट किया है, ऐसा होगा कांग्रेस के साथ ये किसी ने सोचा नहीं था। हालांकि सर्वे में भी आम आदमी पार्टी को एज मिल रहा था लेकिन दूसरे नंबर की पार्टी कहा जा रहा था, ये दूसरे नंबर से बहुत लंबा आंकड़ा है, रुझान ही है 89 पर आप 15 पर कांग्रेस। बीजेपी और शिरोमणि अदर्स को हम गिनी नहीं रहे, अदर्स के आसपास हो गए हैं, एक अदर का है तो बीजेपी का 4 है, बहुत लंबा फासला नहीं है, शिरोमणि के पास 8 है, अभी रुझान है जिनमें आम आदमी पार्टी सबसे आगे चल रही है। लेकिन इन्होंने जो कहा कि भाजपा के अंत की शुरुआत है, हालांकि यहां पर ऐसा कोई टक्कर था नहीं, बीजेपी आम आदमी पार्टी के मुकाबले में ही कहीं नहीं थी, वो तीसरे नंबर पर ही शुरू से दिख रही थी, जो अभी भी तीसरे नंबर पर भी नहीं चौथे नंबर पर नजर आ रही है। महेंद्र जी इनको जवाब दे दीजिए। जी जैसा कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने पूरे बहुमत के साथ पंजाब के अंदर सरकार लाए हैं, एक संख्या में दिख रहा है, लेकिन दिल्ली प्रदेश के अंदर 100 बहाने होते थे केजरीवाल जी के पिछले 6-7 वर्षों में कि मोदी जी ये नहीं करने दे रहे, प्रदेश के जो भाजपा संख्या में ही तो दिखना बनता है सर, लेकिन आज यदि प्रदेश में मौका मिला है पंजाब के अंदर, तो मैं कह रहा हूँ पहला ऐसा प्रदेश है जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है कि उसमें काम करने का अवसर मिलेगा इनको, लेकिन इनकी सोच और मानसिकता देश और राष्ट्र की नहीं है, उसके कारण ये बिल्कुल फ्लॉप होंगे और फिर से भारतीय जनता पार्टी पंजाब के अंदर अपनी सरकार लेके आएगी, कमल का फूल खिलाएगी। बोलिए। भारतीय जनता पार्टी 5 के 5 प्रदेशों के अंदर प्रतिशत के मामले में बढ़ावा हुआ है, देश को डिवाइड करने वाले देशभक्त हैं जिन्होंने पूरे देश के अंदर करप्शन का और भ्रष्टाचार का बोलबाला क्रिएट कर दिया पूरे हर फील्ड के अंदर हमारे देश के अंदर और पूरे इंटरनेशनली। आप विदेशों में कोई वैल्यू नहीं रह गई हमारे देश की, मोदी जी को कोई बुलाना नहीं चाहता है अपने देश के अंदर, 60 लाख का सूट पहनने से कुछ नहीं होता मोदी जी, आपके देश के अंदर आपने क्या किया है, पूरी इकोनॉमी का बंडा ढाल कर दिया है आपने, आपने लोगों को सामाजिक जो बदलाव की वजह आपने उनको डिवाइड करके लोगों को आपने सरकार बना रहे हैं सर, आज तो मुस्कुराता दिल्ली के अंदर भी ये सरकार दिल्ली मुस्कुराने वाली दिल्ली प्रदेश के अंदर एक कांग्रेस की सरकार होती थी, कांग्रेस की मानसिकता ले लो आप चले जाइए, आप जीत रहे महाराज, आज खुश हो जाइए, आज तो मुस्कुराइए, हम देश के लिए काम करते हैं, देश के लिए बोल रहे हैं, ये जो भ्रष्ट भक्त है भाजपा के, ये भ्रष्ट भक्तों को इस देश से भागना पड़ेगा, ये कुछ इन्हें लोग हैं जिन्होंने लाखों करोड़ों रुपए देश के बर्बाद किए हैं, 2.5 लाख करोड़ नोटबंदी में 2.5 लाख करोड़ खा गए, 4.5 लाख करोड़ मोदी जी उल्टे अरे साहब आप कैसे बात करें, मैंने माफ किया इसके अड्डूनी अंबूनी गैंग के, ये भाजपा की गैंग है, 3 गैंग है मैडम सुन लीजिए आप, एक है मोशा गैंग जिसने पूरा क्रिमिनल देश को बना दिया है, दूसरा है मोजपा गैंग, मोदी और भाजपा की सरकार इन्होंने पूरे सामाजिक करप्शन क्रिएट कर दिया देश के अंदर, और तीसरा है ये अड्डूनी अंबूनी गैंग जिन्होंने पूरे आर्थिक व्यवस्था को कच्चा कर दिया देश का, लोग भूखे मर रहे हैं, 40-39% लोग भूखे सोते हैं यूपी के अंदर, क्या योगी जी क्या बेवकूफ बना रहे हैं, यू कैन फूल सम पीपल फॉर सम टाइम मिस्टर दोगी एंड मोदी, बट यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल एट द टाइम, यू आर बिगिनिंग ऑफ एन स्टार्टिंग सर, इतना इतना एक सेकंड सर प्लीज कोई नहीं बोले, नहीं रुक जाए महेंद्र जी, इतना क्यों थमथमाए हुए प्रभु, आप वहाँ पे बीजेपी को हरा रहे हैं, आपकी जीत बहुत कुछ बोल रही है, आप कह रहे देश, एक सेकंड लेट मी स्पीक एटलीस्ट, आप कह रहे देश से भागना पड़ेगा, किसी को भी कोई भी हार जाएगा वो देश से क्यों भागेगा, क्यों भागना पड़ेगा,
जो हार जाएंगे चुनाव में देश से भागना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी भगाई नीचे, पार्टी भगाई नीचे, आम आदमी मैंने जब बोल चुकी जाने दीजिए, आप दीने उनका बोलने दीजिए। आम आदमी पार्टी का आज अहंकार नजर आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी संस्कारों से चलती है और आम आदमी पार्टी जहाँ भी आई है, आई चाहे पंजाब में आई है, दोनों ऐसे राज्य हैं जहाँ पे कांग्रेस पार्टी थी इससे पहले और कांग्रेस का फेलियर का फायदा आम आदमी पार्टी उठाया, लेकिन फिर से आए तभी पता लगे आम आदमी पार्टी के केजरीवाल परिवार से चलती है। हमारे हमारे साथी आम आदमी के प्रवक्ता जो है वो शायद ज्यादा ही गुस्से में है, ये पता नहीं लगता कि भाई मोदी जी ने कुछ, भाई साहब आप बीच में नहीं बोलेंगे, हम बीच में नहीं बोलेंगे, आप खूब तरतराए, हमने कुछ नहीं बोला, आप चुपचाप सुनेंगे। नहीं भाई साहब का वो जो इन्होंने विश्वास जी की तरह आज कहीं ना कहीं राज्यसभा में जाने का कोई वादा हुआ होगा, इसके कारण ज्यादा खुशी मना रहे हैं। इन्होंने आज इतनी बड़ी बात बोली है, देश छोड़ना पड़ेगा। नहीं नहीं ये गलत है, ये बात आप चाहिए, आप इतने बड़े लोकतंत्र को आप चैलेंज कर रहे हैं कि देश छोड़ना पड़ेगा, आप ये देश को छोड़ना पड़ेगा। और आम आदमी पार्टी इस देश का अधिकार नहीं है, इस देश के लोग आज पता लगेगा लोग, और इस देश ये देश बड़ा है। मोदी जी बोल रहे हैं मैं साधु झोला उठा के निकलूंगा, अरे आपको कैसे निकलने दिया जाएगा झोला, ये साधु आप खुद कह रहे देश छोड़ना पड़ेगा, ये साधु संतों की नगरी है, भाई साहब पड़ेगा अड्डू नहीं अंबुड़ी गैंग के लोग भागेंगे देश को छोड़कर, भाई साहब ये संतों की नगरी है, ऐसी बात कर रहे हैं आप, ये संतों का देश है, बिगनिंग ऑफ द एंड ऑफ, आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, मोदी स्टार्टिंग है। अरे महाराज थोड़ा पानी पीजिए, थोड़ा पानी पीजिए, जो हार रहे हैं उन्हें देश छोड़ना पड़ेगा, या आम आदमी पार्टी तय नहीं करेगी, आप पंजाब में सरकार चलाइए, जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ आम आदमी पार्टी आई है, आपके आगे क्या चुनौतियाँ होंगी वो बात कीजिए। बोलने से कुछ नहीं होता, काम करने से होगा पंजाब के अंदर। आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री नहीं है, प्रधानमंत्री आप शांत होंगे या मुझे पैदा नीचे करना पड़ेगा, आप शांत होंगे या नहीं? मोदी जी और योगी जी देश को आगे बढ़ाएंगे, यूपी प्रदेश और इस देश को आगे बढ़ाएंगे, सामाजिक रूप से राजनीतिक रूप से। बोल रही हूँ शांत हो जाइए, मुझे सुन नहीं रहे क्या आप? यहाँ पे बाकी पैनल चुप बैठ जाए क्या? क्या तरीका है ये बात करने का? 10 मिनट हो गया चुप रहने को, बोल रही हूँ, इंटरव्यू नहीं चल रहा है, डिबेट है यहाँ पर। मुझे तो लगा आम आदमी पार्टी बहुत खुश हो रही होगी, यहाँ बोलने का ही मौका नहीं मिल रहा है किसी को। एकदम शांत हो जाइए, अपनी बारी की प्रतीक्षा कीजिए प्लीज। आप महेंद्र सिंह को, आप महेंद्र जी को प्रूफ कर रहे हैं, करके दिखा रहे हैं कि आज आप आम आदमी पार्टी जीत के अहंकार में है। एकदम शांत रहिए सर, शांत रहिए, आप 5 बार ऑलरेडी बोल चुके हैं, पहली बार में सुने सुन भी नहीं रहे, आप पहली बार में सुन भी नहीं रहे, आप एकदम शांत हो चुका हूँ, आप शांत हो जाइए। मैं पैनल में आगे बढ़ू कि आपने अकेले बोलना है? ठीक है अजीत यादव जी देखिए, और एक बारी में शांत हो जाइए, अगर बोला जा रहा है किसी को भी पैनल में जितने लोग हैं प्लीज शांत हो जाइए, औरों को भी मौका दीजिए बोलने का, दर्शकों को समझ में आना चाहिए, डेली सोप नहीं चल रहा है यहाँ पर तूतू मैं का। बोलिए अजीत यादव जी। देखिए हमारे जो साथी हैं वो ज्यादा ही गुस्से में है, मैंने पहले भी बोला था ये कोई तरीका नहीं है डिबेट में आने का, डिबेट करने का, शांत स्वभाव से अगर आपकी सरकार आराम से बात हो, अगर आपकी सरकार वहां बनी आप खुशी मनाइए, तो मुझे लगता है शायद ये आपसे ही नाराज है, कोई पद नहीं मिला होगा उससे नाराज हो गए, आप सबको भ्रष्ट बोल रहे हैं, अरे किसी को प्रूफ तो दीजिए कौन भ्रष्ट है, जो अडानी है अंबानी है कम से कम अपने देश के तो है, आज वो देश में रोजगार दे रहे हैं, देश का पैसा देश में तो है, बाहर तो नहीं जा रहा, आप बाद में बोल रहे हैं जब हमारी बात पूरी हो जाए, पैनल में सबकी बारी आने के बाद अब आऊंगी, जवाब दूंगा, मेरे ऊपर अटैक है ना, नहीं ये आम आदमी पर अटैक है, आम आदमी आप पर अटैक है, रुकिए ना आप, रुकिए आप, आराम से अपनी बारी की प्रतीक्षा कीजिए, आप रुकिए अजीत यादव जी कंप्लीट कीजिए, आगे भी बढ़ना है। इन्होंने ये बात रखी कि हमारी दिल्ली में एजुकेटेड लोग रहते हैं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई और दिल्ली में भी पहले कांग्रेस पार्टी थी, अगर ये किसी विकल्प के रूप में उभरे हैं तो कांग्रेस पार्टी के रूप में उभरे, भारतीय जनता पार्टी न इनका मुकाबला है, न इनका मुकाबला था, न मुकाबला रहेगा। कांग्रेस में भी आज कांग्रेस की पंजाब में भी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, पंजाब में भी अगर इनकी पार्टी सत्ता में आएगी वो भी आप ही हैं, और अनिल राव साहब जो अभी चले गए थे, आप लोग ही कह रहे थे यहाँ पर
इनके जुड़ने से, आप प्रवक्ता के जुड़ने से पहले, कि जहां भाजपा कमजोर है वहां आप करिश्माई काम तो कर सकती है, लेकिन अगर यहां भाजपा अगर मजबूत होती तो ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता बहन जी, जहां कांग्रेस कमजोर है वहां आम आदमी पार्टी का अवसर मिला है, और जो काम करके दिखाएंगे तभी पता चलेगा। नहीं नहीं महेंद्र जी, आप पंजाब में मानिए कि आप कमजोर है, दिल्ली प्रदेश के अंदर भी प्रदर्शन पंजाब में रहा, दिल्ली प्रदेश के अंदर भी 2015 में कांग्रेस की सरकार थी, वहां आम आदमी पार्टी आई, उसके बाद सो बांधने करने के बाद आज पंजाब में अवसर मिला है। आप तो आज अभी कैप्टन साहब का भी आपको साथ लेना, आम आदमी पार्टी की सारी असलियत 100 दिन के अंदर नजर आ जाएगी बहन जी, पंजाब के अंदर आप स्वीकारिए, वहां आम आदमी पार्टी ने अच्छा किया है, आप स्वीकारिए, वहां तो आप कांग्रेस की टक्कर में भी नहीं थे, आप तो थे ही नहीं दूसरे नंबर की पार्टी वहां पर पंजाब में। महेंद्र जी, रमाकांत जी, बहन जी, भारतीय जनता पार्टी की सोच समाज और राष्ट्र की है, कोई भी पार्टी लेकिन आप राज्य में आए काम नहीं आए, अच्छे समाज जी। और देश की सोच लेकर जी आपकी बातों का गलत मानसिकता के साथ काम ना करें। जीत की अगर खुशी मनाएंगे, अगर अगर रिजल्ट आपके फेवर में चारों जगह पर आ जाते हैं तो आप पंजाब पर भी मंथन करेंगे। आप ये नहीं कह सकते कांग्रेस कमजोर थी इसलिए आम आदमी पार्टी आ गई, वो विश्लेषकों को कहने दीजिए, उत्तर प्रदेश आप ये मंथन करेंगे कि आप कहां थे, आप तो कहीं थे ही नहीं। जी पांचों राज्य के अंदर हमारी प्रतिशत के मामले में भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक बढ़ा है। महेंद्र जी सामने आंकड़े हैं, आप आंकड़े को देखिए, थोड़ा सा पानी पीजिए जब तक। यहाँ पर क्या है कि अगर सामने अगर हम देख रहे हैं आंकड़े के अनुसार उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं इस बार ग्राफ फिर सपा का बढ़ रहा है, 126 पर पहुंच गया है, बीजेपी अभी वहीं पर स्थिर है 263 में, और लग रहा है कि अभी सपा और बढ़त बनाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मुस्लिम वोट की अभी बात की थी कि जो उनको वोट मिला था राव साहब बोल के गए थे, तो वो कहीं ना कहीं फिर बढ़ रहा है और आगे भी बढ़ेगा। अगर आम आदमी पार्टी की अगर बात की जाए पंजाब के अंदर जिस प्रकार से कर रहे हैं, वास्तव में भारतीय जनता पार्टी का वहां पर कोई भी जनादेश नहीं है, इसको इन्हें स्वीकार लेना चाहिए। कल तक, कल शाम तक, कल रात की डिबेट तक बीजेपी बोलकर गई है कि कांग्रेस पंजाब में हमारा कुछ नहीं होने वाला, वहाँ पे कांग्रेस और आप ही आगे हैं, हमने अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन आपने अच्छा नहीं, आपने औसत भी परफॉर्म नहीं किया। बिल्कुल आंकड़े बोल रहे हैं महेंद्र जी, आप प्लीज इसे एक्सेप्ट कीजिए, इनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और हाँ, सवाल आम आदमी पार्टी के यहाँ पर जो भी पदाधिकारी यहाँ मौजूद है प्रवक्ता के रूप में, तो वो जिस प्रकार से एकदम हाइपर होने की आवश्यकता नहीं है, अभी आपको इंतजार करिए, अगर आपकी वहां पर गवर्नेंस बनती है, अगर आप आते हैं पंजाब के अंदर, हमें दिख रहा है कि आप स्पष्ट दिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है, आपको और राज्यों में भी जाना है और राज्यों में भी सरकार बनाना है। आप इसको शालीनता से अपनी बात को रखेंगे, लोग बात समझेंगे और देखेंगे भी। दूसरी बात इसमें यह है कि आम आदमी पार्टी ने वास्तव में इस बार अनामिका जी क्या किया कि बूथ बूथ तक, जन जन तक गई, घर घर तक गई, काफी दिनों से अपना प्रयास अरविंद केजरीवाल जिस प्रकार से कर रहे थे, शिक्षा स्वास्थ्य पानी और स्कूलों को लेकर जो अपना मॉडल दिल्ली मॉडल उन्होंने पेश किया जनता को समझाने में वो सक्षम रहे, इसमें कोई दोहराया नहीं है। और इस प्रकार से अगर रूडली तरीके से अगर अरविंद केजरीवाल भी अगर समझाते तो मुझे नहीं लगता कि आज उन्होंने तो बहुत स्वीट तरीके से समझाया था, 90 सीटें जो आ रही है, 90 सीटें सामने दिख रही है हमें बढ़त बनाते हुए, तो ये 9 सीटें रह जाती मेरे अंदाज में। तो इसी बात को देखते हुए गंभीरता से इस विषय को समझना पड़ेगा इस पार्टी को भी, आम आदमी पार्टी को भी, और कांग्रेस को भी सीखने की आवश्यकता है। क्योंकि प्रियंका गांधी ने, मैंने पहले भी दोहराई थी अपनी बात को, कि उत्तर प्रदेश में उन्होंने जिस प्रकार से अपना 100% देने की कोशिश की, अगर उस 100% में से 20% अगर पंजाब को प्रियंका गांधी या राहुल गांधी दे पाते तो आज रिजल्ट कुछ और होता, यहां पर हार भी इनकी नजर इजीली आ रही है। और रहा सवाल भारतीय जनता पार्टी का, तो भारतीय जनता पार्टी ने बूथ लेवल पर अपनी लोगों में पैठ तो बनाई, ठीक है, उस कारणवश आप आगे आ रहे हो, पर लेकिन आपका जो मैनेजमेंट अगर विकास की बात की जाए उसमें कहीं ना कहीं कमी रही प्रदेश के अंदर, तो उससे आज ये देखा जा रहा है कि सीट में जो पहले जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो सीटें मिली थी वो कहीं ना कहीं कम हो रही हैं, ये आप भी देख रहे हैं, सब इसको नकार नहीं सकते। तो ये कहीं ना कहीं अगर भारतीय जनता पार्टी को भी सीखने की जरूरत है कि अगर आपको 300 प्लस सीट लानी है तो पहले की तरह आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मैं रोक रही हूँ, रवि काले रमन हमारे संवाददाता सीधे जुड़ गए चंडीगढ़ से, ज्यादा जानकारी लिए हुए किस तरह के रुझान, कैसा उत्साह आप देख रहे हैं, रवि अपडेट दे। अनामिका देखिए, बिल्कुल जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने पंजाब में क्लीन स्वीप किया है, 90 से ज्यादा जो सीट है उन पर कहीं ना कहीं बढ़त बनाए हुए हैं। और कहीं ना कहीं मैं जिक्र करना चाहूंगा, जो दिल्ली मॉडल पंजाब में दिखाया था पंजाब में, वो कहीं ना कहीं कारगर साबित होता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं शिक्षा स्वास्थ्य जो मूलभूत सुविधाएं हैं, शिक्षा स्वास्थ्य बिजली पानी की जो बात जो है केजरीवाल कर रहे थे कि हमने दिल्ली मॉडल ऐसा किया है, हमने दिल्ली में ये काम किया है, तो तमाम जो चीजें हैं
वो पंजाब में लागू होंगी। कहीं ना कहीं जो बाहर जाने वाले जो युवा है जो विदेशों में जाके नौकरी करते हैं उनके लिए रोजगार के अवसर पैदा करेंगे और साथ साथ उनको विदेशों से वापिस भारत जो है वो लाया जाएगा कि ताकि वो रोजगार अपने घर में रहकर कर सके, अपने देश की उन्नति में भागीदारी कर सके। तो ये तमाम जो मॉडल था दिल्ली मॉडल था वो पंजाब में दिखाया गया। इसी के साथ जो है मैंडेट जो नजर आ रहा है रुझानों के मुताबिक अगर हम बात करें तो 90 से ज्यादा ऐसी सीट है जहां जो आम आदमी पार्टी है वो लीड करती हुई नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं मैं कांग्रेस का जिक्र करना चाहूंगा, कांग्रेस ने जो है अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया। जो कैप्टन अमरिंदर पूर्व मुख्यमंत्री थे पंजाब के, कांग्रेस की तरफ से जो है लगातार उनको दबाने का प्रयास किया गया या फिर आपसी कलह जो उनके सामने आई वो खुलकर जो है लोगों के सामने थी। नवजोत सिंह सिद्धू जो कैप्टन अमरिंदर सिंह का विरोध करते थे, उसके बाद चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब का मुख्यमंत्री बना दिया गया और उसके बाद चरणजीत सिंह चन्नी जो भी घोषणाएं करते थे तो उनके द्वारा जो नवजोत सिंह सिद्धू हैं पंजाब के मुखिया हैं कांग्रेस के तो उनकी तरफ से साफ कर दिया गया था झूठे वादे जो है चरणजीत सिंह चन्नी दिखा रहे हैं। पंजाब के राजस्व में पंजाब के खजाने में इतना पैसा ही नहीं है जितनी वो घोषणाएं कर रहे हैं। तो अपने ही लोगों को कहीं ना कहीं काटते हुए नजर कांग्रेस के लोग जो है वो नजर आए थे, उसी का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। मैं जिक्र करना चाहूंगा तमाम जो मंत्री हैं कांग्रेस के वो फिलहाल हार रहे हैं। बड़े बड़े चेहरे पंजाब के जिनके नाम पर सियासत चलती थी पंजाब की वो कहीं ना कहीं बहुत पीछे नजर आ रहे हैं। चरणजीत सिंह चन्नी दोनों सीटों से पीछे नजर आ रहे हैं, नवजोत सिंह सिद्धू खुद अपनी जो सीट है उससे पीछे नजर आ रहे हैं। और इसके अलावा अनामिका मैं जिक्र करना चाहूंगा जिस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह थे अपनी अलग पार्टी बनाई, उन्होंने जो है पटियाला से इलेक्शन लड़ा तो वो कहीं ना कहीं काफी पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम जो दिग्गज हैं सुखबीर बादल का जिक्र कर ले या फिर जो है प्रकाश सिंह बादल का जिक्र करें, तमाम जो दिग्गज हैं जिनके बलबूते पंजाब की राजनीति चलती थी वो तमाम जो नेता हैं वो फिलहाल जो आम आदमी पार्टी की सुनामी है उसके सामने कहीं टिक नहीं पा रहे। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और एक क्लीन स्वीप जिसको कह सकते हैं कि 90 से ज्यादा सीटों पर आम आदमी पार्टी वर्चस्व जमाने जा रही है। फिलहाल रुझान है, ये रुझान नतीजों में तब्दील कितने हो पाते हैं वो देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो भगवंत मान है उनके घर पे जश्न का माहौल है, तमाम जो होल्डिंग है बैरिकेडिंग है उनके घर को सजाया गया है। आम आदमी पार्टी के जो सिपे सलार है कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल है दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनकी तरफ से भी जो है पंजाब के लोगों को संबोधित किया जाना है और दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो जुड़ेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के जिस प्रकार से यहाँ तैयारी की लगातार ये रुझान आ रहे थे कि आम आदमी पार्टी जो आपके खेमे में जश्न की बिल्कुल अनामिका जश्न बनना शुरू हो चुका है तमाम जो लोग बिल्कुल अनामिका देखिए आम आदमी पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं तमाम जो लोग हैं वो अपनी अपनी जगह पर पहुंच चुके हैं और जश्न की तैयारी पूरी कर ली गई है। जश्न मनाया जा रहा है, लड्डू जो है वो बांटे जा रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही है, जो ढोल नगाड़े हैं वो बजाए, भंगड़ा पाया जा रहा है। तो ये तमाम जो चीजें हैं वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पूरे जोश के साथ ये कर रहे हैं। और राघव चड्ढा मैं जिसकी बात करूं आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर है, उनकी तरफ से कहा गया जिस प्रकार से दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी पर भरोसा जताया था वैसे ही पंजाब की जनता ने आम आदमी पार्टी पर भरोसा जताया है। अब हमारी जिम्मेवारी बनती है, अब हमारी बारी है कि आम आदमी पार्टी जो है तमाम जो लोग हैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरे और हम गारंटी के साथ कह सकते हैं दिल्ली का जो मॉडल है वो पंजाब में लागू करेंगे। लेकिन एक चुनौती अनामिका इनके सामने ये भी आने वाली है क्योंकि पंजाब के राजस्व की बात करें तो तमाम जिस प्रकार से जो उनका घाटा है वो बहुत बड़ा हुआ है, कर्ज जो है पंजाब पर बहुत ज्यादा है। सबसे पहले आम आदमी पार्टी को ये करना पड़ेगा कि पंजाब को घाटे से कैसे उबारा जाए, उनका राजस्व है वो कैसे बढ़ाया जाए, उसके बाद जो घोषणाएं आम आदमी पार्टी ने पंजाब में की थी वो लागू हो पाएंगी। कहीं ना कहीं ये एक बड़ा जो है फैक्टर है, बड़ी मुश्किल जो है आम आदमी पार्टी के सामने सरकार बनाने के बाद आ सकती है। फिलहाल की जो स्थिति की बात करें और मैं जिक्र करना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी अब से पहले जो है अकेले चुनाव नहीं लड़ती थी, शिरोमणि अकाली दल के साथ मिलकर वो चुनाव लड़ते थे। इस बार 65 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा और कहीं ना कहीं तमाम जो उनके साथी थे वो भी फेल होते हुए नजर आए आम आदमी पार्टी के सामने। और भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा जो हारने का कारण या पिछड़ने का कारण जो है वो संगठन ना होना पंजाब में, क्योंकि इससे पहले शिरोमणि अकाली दल के संगठन के भरोसे भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती थी और भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो नया नया संगठन बना है, नए नए लोग उससे जुड़े हैं।
तो ऐसे में उस भारतीय जनता पार्टी को संगठन के तौर पर जो है उसके कारण पिछड़ना पड़ रहा है। और आम आदमी पार्टी लगातार जो है जिस प्रकार के दावे कर रही थी, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, उनकी तरफ से साफ दावा किया गया था कि जो चरणजीत सिंह चन्नी है पंजाब के मुख्यमंत्री, वो दोनों सीटों से हारेंगे। बकायदा उन्होंने लिखित तौर पर ही गारंटी लिख कर दी थी कि चरणजीत सिंह दोनों सीटों से पिछड़ रहे हैं। और बिल्कुल अनामिका, देखिए जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी दावे कर रही थी, उसी हिसाब से लगातार उन्होंने इंटरनल सर्वेस जो कराए थे उसके मुताबिक आम आदमी पार्टी जो है पंजाब में सबसे ज्यादा बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। और कहीं ना कहीं 90 सीट क्लीन स्वीप जिसको आप कह सकते हैं, दावा आम आदमी पार्टी की तरफ से ये किया जा रहा है कि अभी जो रुझानों में 90 सीटें हैं, अगर रिजल्ट आएंगे, रिजल्ट तक आखिरी तक जो है ये 90 की सीटें 100 सीटों में हम कन्वर्ट करेंगे। 100 सीटों का दावा किया जा रहा है कि 100 सीटों पर हम जीत कर आएंगे। तो अपने आप में एक बड़ा चैलेंज और तमाम जो पार्टियां हैं उनके लिए आने वाले समय भी रहने वाला है, क्योंकि तमाम जो पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं तीसरा विकल्प पंजाब में नहीं चाहती थी कि आम आदमी पार्टी इतनी बड़ी पार्टी बनकर उभरे और आगे वाले आने वाले इलेक्शन में पार्टियों के चाहने ना चाहने से क्या होता है, जनता जनार्दन का फैसला सबसे ऊपर है। अभय जैन, मैं आपके पास आ रही हूँ। जश्न की तैयारियां शुरू हो गई है, भगवंत मान के घर को फूलों से, होर्डिंग से, लाइटों से अब सजाया जा रहा है, मिठाइयों के जो ऑर्डर थे वो स्लॉट वहां पर पहुंच गए हैं और पार्टी बस शुरू होने को ही है। ज्यादातर जगहों पर जश्न मनने की तैयारी भी, जैसा कि हमारे संवाददाता रवि बता रहे हैं, वो ये भी बता रहे हैं, जो आंकड़े जो रुझान भी बता रहे हैं कि तमाम दिग्गजों को टाटा बाय बाय कर दिया है पंजाब ने। पॉलिटिक्स का नया चैप्टर देखना चाह रहा है पंजाब। आपको मौका दिया भाई जी। धन्यवाद मैडम जी। मेरा इस चुनाव जो 5 राज्यों में अभी चुनाव जो चल रहे हैं, अभी आज जो वोटिंग हो रही है, मेरा आकलन इसको मैं 3 भागों में बांटूंगा। सबसे पहले कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ऐसा लगता है, इन चुनाव रिजल्ट बता रहा है कि कांग्रेस का फाल और बढ़ गया है। जैसे कि बाकी 4 राज्यों में तो ऐसा लग नहीं रहा था कहीं वो आएंगे। गोवा की बात हो रही थी, उत्तराखंड की बात हो रही थी, पर टफ लग रहा था। पंजाब में वो क्लेम कर रहे थे कि पंजाब में हम आएंगे और पंजाब में ज्यादा वो फोकस कर रहे थे, परंतु पंजाब में आप पार्टी ने उनको हरा दिया है, बुरी तरह हरा दिया है। बीजेपी तो वहां थी नहीं, तो मेरा मानना है कांग्रेस, हाँ, तो मेरा मानना है कि सबसे पहले अगर हम बात कर रहे थे, एनालिसिस कर रहे हैं, तो कांग्रेस का फाल और हो गया, कांग्रेस के लिए टफ होता जा रहा है, भविष्य उसका ऐसा लग रहा है कि टफ है। अब दूसरी बात करें, मान लो आम आदमी पार्टी की बात, अभी बात हो रही थी कि आम आदमी पार्टी ने सिर्फ उन्हीं को ही जीत पा रही है जहां पर कांग्रेस पहले थी। उन्होंने दिल्ली का एग्जांपल दिया, पंजाब का एग्जांपल दिया, परंतु मेरा मानना ऐसा नहीं है। लास्ट चुनाव अगर आप देखेंगे, दिल्ली में जो लास्ट चुनाव हुआ था उसमें वो टक्कर कांग्रेस, आप पार्टी और बीजेपी की थी। बीजेपी का अगर आप याद करेंगे तो बीजेपी ने ही अपनी पूरी सारे MP पूरी सरकार दिल्ली में उतार दी थी और बहुत शोर मचा रहे थे कि दिल्ली में हम आएंगे और हम आम आदमी पार्टी को हरा देंगे। मेरा मतलब इस बात का कहने का मतलब ये है कि आम आदमी पार्टी की टक्कर केवल बीजेपी या कांग्रेस नहीं, बल्कि वो एक बदलाव की तरफ बढ़ रही है। और आम आदमी पार्टी पंजाब में गई और हाँ, उन्होंने बताया कि क्योंकि वहां के लोग बड़े कांग्रेस से और बीजेपी तो वहां थी नहीं, और शिरोमणि अकाली दल बाकी जो नेता थे उनसे भी संतुष्ट नहीं थी। मतलब जो पुरानी पार्टियां हैं उनसे कोई विकल्प ढूंढ रहा था पंजाब, आम आदमी ढूंढ रहा है, परंतु वहां नजर आ गया। मान लो उत्तराखंड की बात करें, मणिपुर की बात करें, यूपी की बात करें या गोवा की बात करें, तो वहां पर आम आदमी पार्टी अपना विकल्प नहीं बना पाई, नजर नहीं आ रही थी क्योंकि विकल्प नहीं था। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आम ऐसा जैसे मैंने बताया कि कांग्रेस का फाल है और ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी का राइज है। अब तीसरी बात करें, मान लो हम बीजेपी की, बीजेपी का क्या लग रहा है। निश्चित रूप से 4 राज्यों में बीजेपी ने अपनी पकड़ बनाई है और दोबारा सरकार में आती नजर आ रही है चारों जगह। मान लो पंजाब में नहीं थी, तो पंजाब में मेरा मानना है कि बीजेपी ने पंजाब में पहली बार ऐसा हुआ है कि वो इतनी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े। पहले वो बहुत कम सीटों में 20-22 सीटों पर चुनाव लड़ते थे, इस बार उन्होंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा, बड़ी संख्या में उन्होंने चुनाव लड़ा। तो आप देखेंगे कि बीजेपी का भी पंजाब में वोट परसेंटेज बढ़ेगा। तो हम ये कहें कि बीजेपी पंजाब में नहीं थी, गलत है। जब पहले वहां 0 थे, अब मान लो गोवा में पहले आप पार्टी कम थी, वहां उन्होंने के मान लो 2-5% वोट ले लिए, तो आप पार्टी का वहां बढ़त है। तो मेरे भाई जो भी बात बार बार कर रहे थे कि नहीं कांग्रेस उनको आप पार्टी की जो बात कर रहे थे कि उनको जो भारतीय जनता पार्टी को नेता छोड़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं है भाई। आप गोवा में बढ़े हैं, गोवा में अगर आपको 2-4% वोट मिल रहा है तो आपकी अच्छी उपलब्धि है। अगर आपको यूपी में कहीं जगह वोट मिल रहा है तो आपकी उपलब्धि है। ऐसे ही आप इस बात को माने, आम जनता हमेशा सही होती है, आम जनता ये डेमोक्रेसी है। वहां अगर आप देखेंगे तो पंजाब में पहले बीजेपी का कहीं ग्राफ कुछ नहीं था, अब उनका कुछ ग्राफ बढ़ा है। तो मेरा मानना ये है, भविष्य ऐसा लगता है
कि एक तो निश्चित रूप से बीजेपी तो है ही, अब 24 जब भी लोकसभा चुनाव होंगे आगे जब चुनाव होंगे बीजेपी तो एक पूरे राज्य, क्योंकि ये चुनाव भी अगर आप देखेंगे तो मणिपुर में चुनाव था, गोवा में चुनाव था, मतलब कि भारत के अलग अलग दिशाओं में अलग अलग कोणों में अलग अलग विचारधाराओं के लोग अलग अलग कल्चर के जगह चुनाव था। ऐसा नहीं था मणिपुर में तो कोई हिंदुइज्म की बात नहीं है, गोवा में तो कोई हिंदुइज्म की बात नहीं है, तमिलनाडु वहाँ टीएमसी भी आई पर वहाँ सफलता उनको नहीं मिली। मेरा मतलब ये हो गया कि ऐसा लग रहा है कि अब बीजेपी पूरे राष्ट्र की पार्टी बन गई, पहले जब हम बात करते थे खाली नॉर्थ की पार्टी है, हिंदी हिंदू बेल्ट की पार्टी, अब ऐसा नहीं है। अब वेस्ट बंगाल ठीक है, बाकी जगह देखने की बात है, तमिलनाडु में आंध्र प्रदेश में क्या होगा, परंतु ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने जो पंजाब में निर्णय लिया ये अच्छा निर्णय था। अगर हम राष्ट्रीय स्तर की बात करें, पॉलिटिक्स की बात करें, तो बीजेपी का इस चुनाव से कोई अगर ये कह रहा है कि उसका फाल है, बिल्कुल गलत आंकलन है, बीजेपी का बल्कि बढ़त है। मणिपुर में कोई आम आदमी पार्टी का जश्न देखे आप, आम आदमी पार्टी ने जश्न मनाना शुरू कर दिया, जश्न की तस्वीरें, ये कार्यकर्ताओं का उत्साह और जोश जिसे कैमरे कैद कर लेना चाह रहे हैं यहाँ पर हमने कैद कर लिया, इन लाइव तस्वीरों को, एक्सक्लूसिव तस्वीरों को आप तक हम पहुंचा रहे हैं। पंजाब में बेहद ही शानदार प्रदर्शन रहा है आम आदमी पार्टी का, पटाखे जलाकर ये जश्न मना रहे हैं, लड्डू बांटे जा रहे हैं यहाँ पर कार्यकर्ताओं के जश्न की ये तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। ये आम आदमी पार्टी के लोग हैं, ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो पटाखे फोड़कर, हालांकि रुझान है लेकिन रुझान भी बहुत फेवर में आम आदमी पार्टी के एक तरफा निर्णय जैसे जनता जनार्दन का आया हो, 90% हो गया है लेकिन आम आदमी पार्टी का अभी भी बेहतर परफॉर्मेंस रुझानों में दिख रहा है। पटाखा फोड़ प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर इन्होंने जश्न की तस्वीरें कुछ इस तरह से पेश किया, ये देखिए पटाखा फोड़ कर जश्न मना रहा है आम आदमी का, आम आदमी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं आम आदमी पार्टी के जश्न की तैयारियों के बारे में हम बात कर रहे थे, लेकिन जश्न की शुरुआत हो गई है आपके खेमे में, शानदार प्रदर्शन किया है, जश्न बनता भी है। पंजाब ने एकदम से अपना मूड बदल लिया, जितने महारथी थे चाहे वो सुखबीर बादल हो, कैप्टन हो, नवजोत सिंह सिद्धू हो, खुद सीएम चंदी ही क्यों ना हो, सभी को टाटा बाय बाय कह दिया, अपने अपने सीट से ये पीछे चल रहे हैं। रुझान, ये रुझान है, अभी रुझानों की बात कर रहा है, रुझानों में ये तमाम महारथी अपनी अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी को करिश्माई जीत यहाँ पर हासिल हुई है। एक बार फिर इन तस्वीरों को देखते हुए पैनल के पास वापस लौट रहे हैं, स्वीटनेस काम आ गई अमित नेहरा साहब, स्वीटनेस काम आ गई, अरविंद केजरीवाल का स्वीट स्वीट बयान जो आया था, और दिल्ली मॉडल लेकर आम आदमी पार्टी जो चुनावी समर में उतरी थी। नहीं देखिए अनामिका, मैं तो वही कहूंगा कि जो मैनेजमेंट है वो बेहतर रहा है आम आदमी पार्टी का, मैनेजमेंट से ही चुनाव जीते जाते हैं। बिल्कुल, अब एक हमारे प्रतिभागी कह रहे थे तो मुझे थोड़ी सी आपत्ति उस बयान पे कि दिल्ली में भारत के सबसे ज्यादा उन्होंने कहा कि समझदार व्यक्ति रहते हैं, तो ये एक तरह से बाकी जो स्टेट्स है उनका अपमान है। समझदार हर जगह पाए जाते हैं, क्योंकि जो चीफ हैं आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, उनका परिवार हरियाणा में रहता, तो क्या बेवकूफ है वो उनका परिवार। तो ये चीजें देखिए, हर जगह समझदार है, यूपी के आदमी क्या समझदार नहीं है क्या? उनके तुरंत बाद आ रही हूं, आप उनको सुन लीजिए, तो मैं उनके तुरंत बाद। तो ये देखिए, हर जगह समझदार होते हैं, अगर ठीक है इनकी बात मान लेते हैं, दिल्ली में सबसे ज्यादा समझदार है मान लिया हम एग्री, तो 2019 में भाई वो लोकसभा का इलेक्शन था तो समझदारी कहां गई उनकी, एक भी नहीं जीता। तो आप चीज समझिए, समझदारी एक अलग चीज है, वो हर जगह पाई जाती है, कोई भी समझदार हो सकता है, आप ये नहीं कह सकते, किसी पे उंगली नहीं उठा सकते आप समझदार नहीं है। तो इस तरह की चीजों को बोलने से बचना चाहिए, क्योंकि पंजाब के आदमी अभी तक बेवकूफ थे क्या? अनर्गल बातें हैं, ये अनर्गल बातें हैं, इस तरह की चीजों पे आपत्ति है मेरी। और हर एक प्रतिभागी से मैं ये निवेदन करूंगा कि किसी भी समझदारी पे, किसी की भी समझदारी पे आप उंगली मत उठाइए, ये एक टॉपिक टिपिकल एक मैनेजमेंट का वो है, एक विषय है, और मैनेजमेंट विजयी रही है, ठीक है ना, इन्होंने